हेलो स्टूडेंट्स, कंसोलिडेशन सीरीज में एक नई वीडियो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम गुडविल की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ऑन 1 अप्रैल 2024, दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, रनर को एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ जॉगर्स को। तो रनर को इज अ पेरेंट कंपनी और जॉगर्स को इज अ सब्सिडरी कंपनी, एंड दी एन सी आई परसेंटेज इज 20%। सो दिस इज दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रुप। वेन द रिटेन अर्निंग ऑफ जॉगर्स को वर 19.5 मिलियन, तो रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 19.5 मिलियन, हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया एट एक्विजिशन। कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी डिटेल हमें प्रोवाइड की जा रही है। कैश कंसिड्रेशन पेड इमीजिएटली 42.5 मिलियन ऑन 1 अप्रैल 2024, एंड अ फर्दर कैश पेमेंट ऑफ 21 मिलियन डेफर्ड। तो दूसरी हमारे पास आ गई डेफर्ड कंसिड्रेशन, और डेफर्ड को हम प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अब डेफर्ड कब तक है? 1 अप्रैल 2025, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2024, तो 1 साल का गैप है इसके अंदर। तो हम 1 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर एट अ अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि गिवन है 8%, एंड फैक्टर इज ऑल्सो गिवन 0.926। तो हमें क्या करना है, जो डेफर्ड पेमेंट है 21 मिलियन की, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.926 से, तो हमारे पास डेफर्ड कंसिड्रेशन की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो प्रेजेंट वैल्यू इज 19.45 मिलियन, 19.45 मिलियन, एंड दिस इज माई टोटल कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन को हम प्लस कर लेते हैं, 42.5 प्लस 19.45, 61.95, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, सेकेंड स्टेप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली। नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड अगेंस्ट डेफर्ड कैश पेमेंट, इसका मतलब है इमीडिएट कैश कंसिड्रेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, डेफर्ड पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया जाएगा 19.45 मिलियन से, और डेफर्ड कंसिड्रेशन को एज अ लाइबिलिटी 19.4 मिलियन से क्रेडिट कर दिया जाएगा इंडिविजुअल बुक्स में। उसके बाद हमें दोनों कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 2025 पर, यानी कि 1 साल के एंड के ऊपर। 1 अप्रैल 2024 हमारी ओपनिंग डेट है। शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का हमारे पास है, रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट हमारे पास मौजूद है, एक्विजिशन डेट ऑलरेडी गिवन है। अब हमें नेट एसेट्स की वर्किंग करनी है, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। गुडविल के लिए हमें सिर्फ नेट एसेट एट एक्विजिशन चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन। उससे पहले हमें एनसीआई का मामला देखना है। तो रनर्स को पॉलिसी इज टू वैल्यू एनसीआई एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुडविल जो हमारी कैलकुलेट होगी वो फुल गुडविल मेथड के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, और एनसीआई की वैल्यू अगर हमें गिवन है फाइन, अगर नहीं गिवन है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी इस क्वेश्चन में मेंशन है 13 मिलियन के। नाउ वी हैव कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, तो अगर नेट एसेट्स आ जाते हैं तो हम इजीली गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इज 25 मिलियन, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन, क्योंकि हम एसेट्स एक्विजिशन पे निकाल रहे हैं, 19.5 मिलियन, 19.5 मिलियन। अब हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ढूंढनी है। सो फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज अदर एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एट 1 अप्रैल 2024 वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ पीस ऑफ प्लांट हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 10 मिलियन नेक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट। तो ये अपलिफ्ट आया है एक प्लांट के अंदर जिसकी वैल्यू एक्विजिशन पे 10 मिलियन से बढ़ गई है। उसकी रिमेनिंग लाइफ है 10 साल, तो पोस्ट पीरियड में हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1 साल का। 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 मिलियन का
डेप्रिसिएशन, लेकिन ये नेट एसेट एट एक्विजिशन को हिट नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंगली 25 मिलियन प्लस 19.5 प्लस 10, 54.5 मिलियन की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन आ गई। अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं फुल गुडविल मेथड के ऊपर। सो वी हैव कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी वर्किंग हमारे पास मौजूद है, उसमें हम ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, और उसमें से डिडक्ट कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। सो वी हैव कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास दी भी है 61.95, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 13 मिलियन का, और नेट एसेट्स हमने कैलकुलेट किए हैं 44.5। 61.9 प्लस 13 माइनस दिस 20.4 की गुडविल एट एक्विजिशन, और क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है सो दैट शोज दैट कि हमारी जो गुडविल है वो पॉजिटिव गुडविल है, और इसे हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज अ नॉन करंट एसेट इनटेंजिबल एसेट, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट होगी तो गुडविल की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको इसी वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। अनदर क्वेश्चन, इसमें भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। ऑन 1st October 2022, दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, पैराडाइम एक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ स्ट्राटाज इक्विटी शेयर्स बाय मींस ऑफ अ शेयर एक्सचेंज। तो डेट ऑफ एक्विजिशन हो गई हमारी 1st October 2022, 1st October 2022, और हमारी रिपोर्टिंग डेट है 31st March 2023। तो इसका मतलब ये हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ का पोस्ट पीरियड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें मिड ईयर एक्विजिशन का केस दिया हुआ है। परसेंटेज एक्वायर्ड की गई है 75, दैट मींस हमारा एनसीआई होगा 25%। अब हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसे वर्कआउट करनी है क्योंकि शेयर एक्सचेंज दिया हुआ है, और उसके अलावा एक लोन नोट भी इसके अंदर गिवन है। सो ऑन 1st October 2022, अब हम यहाँ देखते हैं शेयर एक्सचेंज को, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम पेरेंट के शेयर्स कैलकुलेट करेंगे कि पेरेंट ने सब्सिडरी के कितने शेयर्स एक्वायर किए। सो शेयर्स एक्वायर्ड, सो सब्सिडरी के टोटल शेयर्स हैं 20,000 pound 1 each, और इस 20,000 का पेरेंट ने शेयर्स एक्वायर किए हैं 75%। सो 20,000 शेयर्स 75%, 15,000 शेयर्स एक्वायर किए पेरेंट कंपनी ने। अब पेरेंट ने अपने कितने शेयर्स इशू किए वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए टर्म्स चाहिए। 2 new shares in P फॉर एवरी 5 shares एक्वायर्ड इन स्ट्राटा, 2 for 5, 2 for 5। तो 15,000 को 5 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो न्यू शेयर्स इशू करने, एंड दैट इज 6,000 shares जो पेरेंट कंपनी ने इशू करने। अब पेरेंट कंपनी के हमें शेयर प्राइस चाहिए, शेयर प्राइस इज गिवन एज $2 each, पार वैल्यू 1 है। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, $12,000 की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट शेयर एक्सचेंज। उसके बाद अगले पॉइंट में दिया हुआ है, इन एडिशन पेरेंट इशू टू द शेयर होल्डर ऑफ स्ट्राटा $100
10% लोन नोट फॉर एवरी 1,000 शेयर्स इट एक्वायर्ड इन स्ट्राटा। हर 1,000 शेयर्स के अगेंस्ट उसने $100 का एक लोन नोट इशू किया। अब लोन नोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले शेयर्स एक्वायर्ड हमें पता होने चाहिए जो हमने लिए हैं। उसके बाद लोन नोट इशू कितने किए हैं, सो फॉर एवरी 1,000 मल्टीप्लाई बाय $100, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 1,500 की वर्थ की हमारे लोन नोट इशू किए गए। ये 1,000 के अंदर वैल्यू भी बनी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल आ जाएगी। इसको टोटल कर लेते हैं हम, सो टोटल कंसिडरेशन हमारे पास आ रही है 13,500। अब हमें एनसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो इट इज द पॉलिसी ऑफ द पेरेंट कंपनी टू वैल्यू एनसीआई एट फेयर वैल्यू, दैट मींस फुल गुडविल मेथड यूज हो रहा है। फॉर दिस पर्पस अ शेयर प्राइस ऑफ 1.20 इज गिवन। सब्सिडरी की शेयर प्राइस गिवन है जिससे हम फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी मल्टीप्लाई बाय एनसीआई होल्डिंग परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी। तो जो एनसीआई के पास शेयर्स हैं टोटल में से 20,000 का, एनसीआई के पास 25% शेयर्स हैं। उसकी मार्केट वर्थ हमें आइडेंटिफाई करनी है। एक शेयर की प्राइस चल रही है 1.20, सो 20,000 इंटू 0.25, 5,000 शेयर्स हैं, 1.2 उसकी वर्थ है, तो एनसीआई की वैल्यू हो गई 6,000। जब भी एनसीआई की वैल्यू गिवन ना हो, एनसीआई फेयर वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट की जाएगी। अब उसके बाद हमें नेट एसेट्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है एट एक्विजिशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच शोड इट हैड मेड अ नेट लॉस आफ्टर टैक्स ऑफ 2 मिलियन एट दैट डेट। पैराडाइम एक्सेप्टेड दिस फिगर इज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2023। तो इसने नेट लॉस शो किया हुआ है आफ्टर टैक्स, जो कि दिया हुआ है 2 मिलियन का एट दैट डेट। एक्विजिशन के ऊपर इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है जिसके अंदर नेट लॉस शो हो रहा है 2 मिलियन का। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है रिटेन अर्निंग के लिए, इसको हम फर्दर देखेंगे। ऑल्सो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कंडक्टेड अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज दैट शोज नेट एसेट्स विच वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग स्ट्राटाज फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट जिसकी फेयर वैल्यू 3 मिलियन से कम है। अब हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि वैल्यू में अपलिफ्ट आता था, यहाँ पर एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है और उसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो 3 ईयर्स है 1 अक्टूबर 2022 पर। तो अब इसमें दो चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये मिड ईयर एक्विजिशन है तो रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन निकालना चैलेंज है और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को फाइंड आउट करना इट्स अ चैलेंज। अब सबसे पहले हम नेट एसेट का कॉलम बना लेते हैं, नेट एसेट एट एक्विजिशन, और जो चीज़ें हमारे सामने इजीली अवेलेबल हैं उसको हम लिस्ट डाउन कर देते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन ये हमें फाइंड आउट करनी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहाँ पे दी हुई है, डाउन हुई है वैल्यू बाय 3 मिलियन, सो प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 3 मिलियन हम माइनस करते हैं। अच्छा, इसकी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का मसला आएगा, तो जब अपलिफ्ट होता है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और जब वैल्यू डाउन होगी तो अब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा बल्कि डेप्रिसिएशन को हम प्लस करेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आइडेंटिफाई करना, विच इज 1 अक्टूबर 2022 मिड ईयर एक्विजिशन। तो हम टाइमलाइन बनाते हैं।
1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2X3 ये हमारी टाइमलाइन है, और 1 अक्टूबर 2X2 को ये डेट ऑफ एक्विजिशन हुई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रिटेन अर्निंग जो हमें सवाल में दी हुई है वो 1 अप्रैल पे दी हुई है, 4,000 लॉस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 4,000 लॉस दिया हुआ है। सो रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन 4,000 का हो गया लॉस। अच्छा, ये जो पीरियड बन रहा है ये 6 महीने का बन रहा है, और ये जो पीरियड बन रहा है ये भी 6 महीने का बन रहा है। आगे देखते हैं, रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2X3 पूरे साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 8,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 8,000। इसका मतलब है रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन जो है वो 4,000 की लॉस में है, और 8,000 का इसके अंदर पूरे साल के अंदर प्रॉफिट आया है। अब हम आगे देखते हैं और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन स्ट्राटा प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच शोड इट हैड मेड अ नेट लॉस आफ्टर टैक्स ऑफ 2 मिलियन एट दैट डेट। एक्विजिशन तक उसने 2 मिलियन का लॉस जनरेट किया, इस पीरियड में 2 मिलियन का लॉस जनरेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मिलियन का रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल पे मौजूद थी, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर में 2 मिलियन का लॉस जनरेट हुआ, तो रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन हो गई 6,000 नेगेटिव वैल्यू। तो हमें रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन चाहिए। प्रीवियस जितनी भी हमने अब तक एग्जाम्पल की हुई है उसके अंदर इस तरह से डेटा नहीं दिया हुआ था कि उसने हमें 1 अप्रैल की वैल्यू दी और एक्विजिशन डेट तक का उसने हमें लॉस दे दिया, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर तक, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का लॉस दिया हुआ था। वो 6 महीने का लॉस हमें डायरेक्ट दिया हुआ था, वो 6 महीने का लॉस हमने एडजस्ट कर दिया, तो रिटेन अर्निंग आ गई 6,000। ये क्योंकि लॉस है, रिटेन अर्निंग नेगेटिव है, इसलिए हमने 6,000 उसमें माइनस कर दिया, तो एट एक्विजिशन हमारे पास आ जाएगा 11,000 के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब गुडविल के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ गई, फुल गुडविल मेथड है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी हमारे पास मौजूद है जो हम ऐड करते हैं, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं। तो नेट एसेट्स आ गए 11,000 के, डिडक्ट हो गए, एनसीआई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 6,000, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने टोटल की थी कैलकुलेट 13,500, 13,500, और इससे हमारी जो गुडविल आ रही है दैट इज 8,500 की पॉजिटिव गुडविल आ रही है, विच इज शोन एज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट।